नमस्कार, विनोद कुमार सचान। प्राकृतिक कृषि के बारे में मैंने बहुत सारे विषय उठाए हैं, आज एक और विषय आपके सामने है, जल की खेती। लोग हंसेंगे क्योंकि मछली पालन की बात तो होती है कि जल की खेती कोई नहीं करता। मेरा अभिप्राय ये है कि बहुत सारे लोग जो है भूगर्भ जल को निकाल करके उसको फिल्टर करके पानी बेच रहे हैं, और पानी जो बेचने वाला तो बेच रहा है, लेकिन पानी बचाने वाले को क्या, कुछ नहीं। जबकि अगर पानी बचाने वाले मैंने देश में हथियार नहीं किए तो पानी बेचने वाले कल को पानी कहाँ से लाएंगे। तो विषय पानी से जुड़ा हुआ है। पानी है, पानी जिंदगानी है, सच्ची है कहानी है। और किसी ने कहा है रहीमन बिरवा खेत में, नहीं वो क्या कहते हैं दोहा है कि पानी मिले न उबरे मोती मानस चूर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर। यानी पानी की कहानी बहुत विचित्र है मनुष्य के जीवन, मनुष्य के जीवन में क्या पानी के बिना तो कुछ भी नहीं। छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, तो इस शरीर के निर्माण में पानी का भी योगदान है और इस शरीर के पालन पोषण में पानी का योगदान है। लेकिन पानी की मात्रा घटती जा रही है, जलाशय खत्म हो गए हैं, वर्षा कम होने लगी है, भूगर्भ जल स्तर भी नीचे चला गया है। तो ये विषय मेरा फिर नीतियों के साथ है, जो नीति निर्माता बड़ी बड़ी कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, ये विषय उनका एक आम आदमी का विषय नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं एक्सप्रेस वे, मतलब 20-20 50-50 करोड़ के, 1000 करोड़ के एक्सप्रेस वे बना देते हैं। लेकिन एक्सप्रेस वे बनाते हैं तो एक्सप्रेस वे के लिए किसान अपनी 3-3 फुट मिट्टी बेचता है, लेकिन कभी नीतियों ने नहीं सोचा कि इसी एक्सप्रेस वे में जो पैसा खर्च हो रहा है उसी से उस एक्सप्रेस वे के किनारे किनारे नाना प्रकार के जाने कितने अनगिनत जलाशय बनाए जा सकते थे और किसी का पैसा खर्च नहीं होना था। हाँ, जो किसान अपने खेत की मिट्टी में जलाशय बनाना चाहे तो फ्री में जलाशय बनेगा। सड़क बनाने वाले को मिट्टी तो उठानी, अभी तो खरीद रहा था, वो किसान तो फ्री में दे देगा। लेकिन हाँ, फिर प्रश्न आता है कि जिस किसान ने अपने खेत में जलाशय बना लिए उसको क्या मिलेगा। तो इसीलिए विषय है जल की खेती, जल कृषि। निरे प्रकार की खेतियां करते हैं, अनुदान देते हैं, जल कृषि पर भी अनुदान मिलना चाहिए। तो अगर कोई एक हेक्टेयर में 10 फुट गहरा तालाब बनाते हैं तो जानते क्या, 30,000 क्यूबिक लीटर पानी इकट्ठा होता है। 30,000 क्यूबिक लीटर। आजकल सरकार जो है खेत तालाब योजना में तो पैसा किसानों को दे ही रही है, मतलब गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है। एक किसान जो 22 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा और 3 मीटर गहरा जलाशय बनाता है ना, उसको 60,000 रुपये अनुदान मिलता है और पानी उसमें मात्र आता है 1320 क्यूबिक लीटर। केवल 1320 क्यूबिक लीटर पानी आता है और 60,000 अनुदान मिलता है। लेकिन अगर कोई किसान एक हेक्टेयर में तालाब बनाएगा तो 30,000 क्यूबिक लीटर पानी आएगा, यानी कि खेत तालाब योजना से 22 गुना ज्यादा। और ये तालाब जो है ना 20 हेक्टेयर खेत की सिंचाई करेगा, ये छोटा सा तालाब तो कुछ भी नहीं करता। एक किसान जो एक हेक्टेयर जमीन में एक खेत तालाब बना लेता है, वो गेहूं धान की खेती करता है, तो साल भर में 50 लाख लीटर पानी जमीन से निकालता है, 50 लाख लीटर। और खेत तालाब से बचाता कितना है, केवल 1320 क्यूबिक लीटर। तो मुद्दा है कि पानी की समस्या का अगर स्थायी समाधान चाहिए, देश के 60% एरिया में गर्मियों के सीजन में टैंकर से पानी सप्लाई होता है, जाने कितनी धनराशि व्यय होती है। आगरा जैसे शहर में गंगा का पानी ला करके जो आगरा के निवासियों को पिलाने के लिए जाने कितने 1000 करोड़ की योजना आई और सबको पानी मिलेगा नहीं। तो पानी अगर मैं नदियों से खींच खींच करके किसी की प्यास बुझाने की बात करूंगा तो नदियां तो मेरी सूखती जा रही हैं, बारिश कम होती जा रही है। बारिश के पानी की मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा को एकत्र करने की योजना ही जल कृषि कहलाएगी। इस पर सरकार को पहल करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि 100 हेक्टेयर का अगर गांव है, जिस गांव का एरिया केवल 100 हेक्टेयर है, उसके 5 हेक्टेयर में अगर जलाशय बना दिए जाए तो 1.5 लाख क्यूबिक लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। इस गांव में जो टोटल वर्षा है वो 5 लाख क्यूबिक लीटर की होती है। अगर 50 सेंटीमीटर भी कहीं वर्षा होती है ना, 50 सेंटीमीटर और 100 हेक्टेयर का मतलब होता है 5 लाख क्यूबिक लीटर पानी गिरता है, उसमें से मुझे 33% केवल 15 लाख 1.5 लाख लीटर पानी एकत्र कर लेना है। तो ये जल कृषि है,
जल कृषि को अगर बढ़ावा नहीं दिया गया, जब पानी बोतल में बेचा जा सकता है तो पानी बचाने वाले को हम 1 रुपया लीटर या 4 आना पैसा जो प्रति लीटर है, कोई ना कोई कास्ट तो तय करेंगे, जो पानी बचाएगा उसको हम इतना पैसा देंगे। अगर पानी बचाने के वाले को पैसा नहीं देंगे तो पानी कोई क्यों बचाएगा? नंबर एक। नंबर दो, जल अगर ये जल कृषि हम नहीं कर पा रहे हैं, जल तालाब खोदने वाले को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो दो एक नीतियों को चाहिए कि जो किसान अपने खेत की मेड़ पर खेत की मेड़ नहीं बनाएगा, यानी वर्षा के पानी को खेत में नहीं रोकेगा, उस किसान को बोरिंग से पानी हरगिज नहीं निकालने देंगे। क्योंकि कभी एक प्रश्न आएगा कि फिर उत्पादन गिर जाएगा, फिर लोग भूख से मर जाएंगे, तो भाई ठीक है, मरना तो है, भूख से मरोगे या प्यास से मरोगे, फिर बता दो, भूखा आदमी 30 दिन जिंदा रह सकता है लेकिन प्यासा आदमी 2 दिन जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमें तय करना पड़ेगा, हम किसान भाइयों से अपील करते हैं और सबसे अपील करते हैं कि हमें तय करना पड़ेगा। जैसे पेड़ के लिए कहता हूँ ऑक्सीजन बेहतरीन है कि जल, तो सबसे पहले ऑक्सीजन ज्यादा उपयोगी, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे 1 मिनट में 3 बार लेनी है। खाना ज्यादा जरूरी है कि पानी, तो फिर मुझे तय करना पड़ेगा पानी ज्यादा जरूरी, क्योंकि दिन में मुझे 20 बार पीना है। तो हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना कि भोजन अगर ज्यादा जरूरी है तो पानी नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, कल को खेती कैसे करोगे? तो इसलिए जल की कृषि बहुत जरूरी है और प्राकृतिक कृषि का एक हिस्सा है कि हमें जल के बारे में ध्यान देना। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि जल के बारे में चिंता करिए, या तो पानी बचाइए या जमीन से पानी निकालना बंद करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पानी नहीं बचाऊंगा और जमीन से पानी निकालूंगा, तो तय मानिए कि आपके जीवन के केवल 20 साल बचे हैं, 20 साल से ज्यादा इस धरती पर जीवन नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो। नमस्कार।